Alright. So आज जो हम देखने वाले हैं मत्ती की पुस्तक 14वीं अध्याय 22 से लेके 23 तक, ये आपको सबको पता है, मत्ती 14 22 से 33। इसमें जैसे हम जानते हैं, ये पूरा ये पैसेज जो है, इसमें यीशु मसीह पानी में चलने वाली एक घटना है ना, पीटर और यीशु मसीह के बीच का घटना है। परमेश्वर ये लोग जब बोट में अपनी नाव में जाते रहते हैं, एक बहुत बड़ा तूफान आता है, बहुत बड़ा आंधी आता है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, मगर बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह उनके बीच में चल के आते हैं। तो उसके बारे में है, और बाइबल में हम देखते हैं जब हम 22वीं वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो ये पैसेज, ये पर्टिकुलर पैसेज का शुरुआत पहले कैसे शुरू होता था, पहले ही क्या बोलता है, यीशु मसीह अपने आप को अलग करके क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। ये पैसेज ही, इसका शुरुआत ही यीशु मसीह प्रार्थना करने के बारे में हो रहा है। यू नो, कई बार हम ये सोचते रहते हैं ना, कई लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। You know, लोग लंबे 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 बैठ के प्रार्थना करते हैं, वो जरूरी है क्या? 5 मिनट हृदय से हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा नहीं? ये कई बार लोगों में सोच होता है, मगर बाइबल का वचन बोलता है यीशु मसीह शाम को गए थे, क्या शाम गए थे और सुबह 4 बजे तक प्रार्थना करते थे, कई बार पूरी रात वो प्रार्थना करते थे। क्यों? वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उनको प्रार्थना करने की क्यों जरूरत था? है ना, बाइबल का वचन बोलता है इब्रानी में, हम देखते हैं कि 5 और 7 में देखते हैं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, जब इंसान की जीवन वो जी रहे थे, बाइबल बोलता है उनकी हर एक समस्या, हर एक कार्यों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास लेके जाते थे। कैसे लेके जाते थे? प्रार्थना के द्वारा। वो भी कैसे? जोर जोर से पुकारते थे, बाइबल बोलता है, रोते थे, चिल्ला चिल्ला के रोते थे, अपनी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, नाश में जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। परमेश्वर को इज्जत देके वो बाइबल का वचन बोलता है, वो जोर से पुकार के प्रार्थना करते थे। कई बार हमारी समस्याओं में हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मतलब लोगों के पास जाते हैं, ऐसे सोचते हैं जब भी समस्या आता है हमारा टेंडेंसी होता है लोगों के पास जाने का, मगर बाइबल बोलता है यीशु मसीह हमेशा उनकी हर एक दुख, हर एक समस्या जब होता, वो एक ही काम करते थे, वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक ही व्यक्ति उनको जवाब दे सकता है, एक ही व्यक्ति उनकी समस्या का हल कर सकता है, वो है यीशु, वो है परमेश्वर। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमें सीखना बहुत जरूरी है। बाइबल बोलता है हर समय जब भी लोगों से वो दूर होते थे, अपने आप को अलग करते थे, वो जाकर प्रार्थना करते थे। आज प्रार्थना उनके लिए बहुत जरूरी था, प्रार्थना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जानते थे प्रार्थना के द्वारा ही वो परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को वो जान सकते हैं और परमेश्वर के साथ वो चल सकते थे। बाइबल में हम देखते हैं एक बहुत बढ़िया चीज, अगर हम बाइबल में देखते हैं, याकूब बुढ़ा हो जाता है, बाइबल बोलता है वो बुढ़ा होता है याकूब, अपनी बच्चों को बुलाता है, उन लोगों को आशीष देता है, उसके बाद बाइबल बोलता है अपनी लकड़ी के सहारे वो खड़ा होके वो प्रार्थना करता था, लकड़ी के सहारे खड़ा होकर, अब उम्र हो गया था, उसको खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, फिर भी वो बोलता है लकड़ी को पकड़ के वो प्रार्थना करता था। ये क्योंकि वो जानते थे प्रार्थना की महत्व, इतने साल परमेश्वर के साथ वो चलने के बाद,
इतने साल परमेश्वर की कार्यों को देखने के बाद उनको पता था कि प्रार्थना की महत्व क्या है, प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। प्रार्थना एक इंसान की जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लियोनार्ड रेवेनल इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा इवांजेलिस्ट, बहुत बड़ा इवांजेलिस्ट, बहुत नामचीन इवांजेलिस्ट, परमेश्वर ने उनको गजब रीति से इस्तेमाल किया। वो बोलते हैं एक व्यक्ति अपने प्रार्थना जीवन से वो बड़ा नहीं है। यू आर नॉट बिगर देन योर प्रेयर लाइफ। आपकी प्रार्थना जीवन से बड़ा आप नहीं हो। यीशु मसीह के जीवन से हमें पहला चीज ये सीखते हैं कि वो हर समय एक चीज जरूर करते थे, अपने पिता से मुलाकात करते थे, प्रार्थना करते थे। कभी भी अपने पिता से बात करने से वो चूकते नहीं थे, हमेशा अपने पिता से बात करते थे। दुख के समय में, खुश के समय में, हर एक समय में वो पिता से बात करते थे। इसमें से हमें सीखना ये है, कोई भी परिस्थिति हो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है व्यक्तिगत समय। और बाइबल का वचन बोलता है, अगर आगे पढ़ते हैं आगे देखते हैं, बाइबल का वचन बोलता है कि यीशु मसीह ने उनको शिष्यों को क्या बोला, आप लोग आगे जाओ मैं पीछे आता हूं। तो अपने आप को अलग गए और वो जाके वहां पे प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना जब कर रहे थे, उन्होंने देखा दूर से अपने शिष्य लोग तूफान से, आंधी से क्या कर रहे हैं, परेशान होके उसकी सामना कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसे बाहर निकलने के लिए, उस पार जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। और बाइबल बोलता है सुबह 4 बजे यीशु मसीह पानी में चल के उनके पास जाते हैं। जब ये लोग यीशु मसीह को देखते हैं, शुरुआत में उन्होंने वो यीशु मसीह बोल के उन्होंने नहीं जाना, वो बोले अरे भूत आ गया है। तब यीशु मसीह बोलते हैं डरो मत, मैं हूं। जरा सोचिए, इतने कितने साल या कितने महीने यीशु मसीह के साथ थे मुझे पता नहीं, यीशु मसीह सेवा में आके कितने महीने या कितने साल, एक साल या कितने महीने के बाद ये घटना हुआ मुझे पता नहीं, मगर अगर वो महीने हो हफ्ता हो, मगर 24 घंटे ये शिष्य लोग यीशु मसीह के साथ थे, 24 घंटे थे यीशु मसीह के साथ, दिन रात यीशु मसीह के साथ थे, खाते थे, पीते थे, जाते थे, सोते थे, सब यीशु मसीह के साथ करते थे। मगर जब यीशु मसीह पानी में चल के आके वहां पे खड़े थे, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। इतने महीने या हफ्ते यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, वो बोल रहे हैं तो भूत है। क्यों? क्योंकि उनकी डर यीशु मसीह को पहचानने में एक पर्दा ला दिया था। आज हमारे जीवन में भी कई बार डर जो होता है ना, यीशु मसीह या परमेश्वर को, परमेश्वर की जो असलियत होता है, परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो चमत्कार किया, वो पहचानने में वो क्या करता है, रुकावट लाता है। इसके लिए तो परमेश्वर बोलता है डरो मत, डरो मत, डरो मत। 365 बार बाइबल बोलता है डरो मत। क्यों? डर परमेश्वर को पहचानने में हमें रुकावट करता है। परमेश्वर की कार्यों को समझने में, परमेश्वर की चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ्य को समझने में हमें क्या करता है, रोक देता है। इतने दिन उन्होंने यीशु मसीह ने किया हुआ चमत्कार देखा, इसके वो नाव में जाने से पहले कुछ रोटी से यीशु मसीह ने 4,000 लोगों को खाना खिलाया था। कब? कुछ घंटे पहले।
मगर वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, पहचानने में भूल गए। आज डर एक व्यक्ति को परमेश्वर की कार्यों को, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो चमत्कार किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया, उसको याद करने में, उसको पहचानने में रुकावट करता है। डर हमारी विश्वास को कमजोर कर देता है। डर परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें रुकावट लाता है। इसके लिए तो बाइबल बार बार बोलता है, डरो मत, चिंता मत करो, चिंता मत करो, डरो मत। आज जिनकी डर वो व्यक्ति को पहचानने में रुकावट ला दिया, जिनके साथ ये थे, जिनके साथ चमत्कार देखा, जिन्होंने इनको अधिकार दिया था, जिनके नाम से इन्होंने भूतों को भगाया, जिनके नाम से इन्होंने बीमार लोगों को चंगा किया, जिनके नाम से चमत्कार किया, उसको पहचानने में वो डर इनके जीवन में रुकावट लाया। इसके लिए तो बाइबल बोलता है हमें डरना नहीं है। पहला चीज, प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, डर हमेशा हमारे लिए नुकसान ला सकता है, क्योंकि परमेश्वर के कार्यों को पहचानने के लिए और परमेश्वर को, परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानने के लिए वो रुकावट लाता है। बाइबल बोलता है जब वो डर गए थे, ये हो गए थे, तो यीशु मसीह बोलते हैं, चिंता मत करो, डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। तब पीटर बोलता है, यीशु मसीह अगर आप हो, मुझे पानी में चलने के लिए आप क्या करो, बोलो। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला, नहीं तेरे से नहीं होगा, तू आएगा तो डूब जाएगा, तू आएगा तो तेरा विश्वास कमजोर, डर जाएगा, ऐसे नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला, आ जा। यीशु मसीह ने क्या बोला, आ जा। अगर कोई एक चीज परमेश्वर को खुश करता है, वो है हमारा विश्वास। अगर हम विश्वास के साथ कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर उसका कभी रुकावट नहीं करता है। परमेश्वर बोलता है, करो करो। पीटर ने बोला, परमेश्वर अगर आप हो, मुझे बोलो, मैं आऊंगा, मैं चल के आऊंगा पानी में। आप बोलो बस। यीशु मसीह ने बोला, आजा, गो फॉर इट, आओ, चल के आओ। परमेश्वर पूरे बाइबल में, यीशु मसीह सही, परमेश्वर भी सही, अगर लोगों की जीवन में अगर एक चीज पसंद करता है तो वो है विश्वास। यीशु मसीह जब भी लोगों ने विश्वास की, विश्वास को दिखाया ना, परमेश्वर यीशु मसीह तुरंत बोलता, वाह कितना बड़ा विश्वास है तेरा। एक सेंचुरियन, एक अधिकारी, वो बोलता है, यीशु मसीह मेरे घर पे मत आओ आप, मैं अधिकार वाला इंसान हूं। आओ बोलते तो लोग आते हैं, जाओ बोलते तो लोग आते हैं, आप यहीं से बोलो ठीक हो जाए। वो बोलता है, इसका विश्वास बहुत बड़ा है। यीशु मसीह बहुत पसंद हो गए ना, ही वॉज वेरी मच इंप्रेस, बहुत इंप्रेस हो गए। वैसे ही एक कानानी स्त्री अपनी बेटी के लिए, उसने बोला, मेज से अगर कुछ टुकड़े गिरते हैं, कुत्ते उसको खा के पेट भरते हैं। वो बोलता है, यार तेरा विश्वास क्या है। अगर कोई चीज यीशु मसीह को पसंद किया हो या यीशु मसीह को खुश किया हो तो वो है विश्वास। और वही परमेश्वर का भी है। इसके लिए तो इब्रानी की पुस्तक 11वीं अध्याय, परमेश्वर विश्वास की हीरो हीरोइन की लिस्ट लिखा है वहां पे, हीरो हीरोइन, विश्वास की हीरो हीरोइन क्यों लिखना चाहिए। पूरा पूरा 11वीं अध्याय विश्वास में जिए हुए लोगों के बारे में लिखा है। वो बोलते हैं, वाह, अगर उनकी जीवन को देखते हो, वो परमेश्वर बोलता है, मैंने ये लोग विश्वास से जिए,
इसके लिए तो मुझे ये लोग पसंद है, इसके लिए उनके नामों को परमेश्वर याद कर करके एक एक करके उसने वहां पे लिखा है। ये साफ बताता है अगर कोई एक चीज परमेश्वर को इला सकता है, अगर कोई एक चीज परमेश्वर को पसंद कर सकता है, वो है विश्वास, और कुछ नहीं। इसके लिए तो पॉल बोलता है विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोला आओ, आओ, बोला आओ। वो चल के जाता है, बाइबल बोलता है वो क्या करता है, चलता है, चलता है, चलता है। जब चलते जाता है अचानक उसकी चिंता उस तूफान के तरफ जाता है, उसकी सोच उस तूफान के तरफ, वो आंधी के तरफ जाता है। और बाइबल बोलता है पानी में, पानी के ऊपर चल रहा था, अभी पानी के अंदर है। जब तक यीशु मसीह के ऊपर आके रख के विश्वास के साथ वो चल रहा था, वो पानी के ऊपर चल रहा था। जब उसकी नजरें दूसरे तरफ गया और फिर से उसकी जीवन में जब डर आया, पानी के अंदर। फर्क देखा आपने? विश्वास आपको आपकी समस्या के ऊपर चलाता है, मगर डर आपको वो समस्या के अंदर रखता है। इसमें बहुत फर्क होता है। जब आप समस्या के अंदर होगे तो तकलीफ ही होगा, तकलीफ, हर तरह का दर्द, वेदना, मगर विश्वास आपको समस्या के ऊपर चलाता है। तुरंत तो पानी में गिरता है, मेरा ये सोच है क्योंकि वो मछुआरा था, वो मछली पकड़ने वाला था, तो स्वाभाविक इंसान की स्वभाव के हिसाब से ये होता है कि कोई भी हो इंसान की स्वभाव, खास करके वो मछली पकड़ने वाला अगर पानी में गिरता है तो वो स्वाभाविक है, वो क्या करेगा, तैरना शुरू करेगा। तो मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि अभी पीटर पानी में जैसे ही गिरा, उसकी इंसान स्वभाव की वजह, स्वभाव के हिसाब से वो क्या कर रहा है, अभी तैर रहा है, और पीछे से 11 शिष्य लोग नाव से देख रहे हैं, अरे वो गिर के चिल्ला रहे पीछे से, पीटर मेहनत करो, यीशु मसीह के पास जाओ, वो आपको बचाएगा, उसको पकड़ लो जाके, मेहनत करो, पीछे से चिल्ला रहे चीयर लीडर के जैसा चिंता के साथ, पीटर मेहनत करो। ये भी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, नाव के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि नाव पीछे, अभी एक ही रास्ता है, यीशु मसीह आगे है थोड़े ही दूर में, चलो उसके पास चलते हैं। अब पीटर क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है पूरी बल, उसकी इतने साल की ट्रेनिंग, मछुआरे की ट्रेनिंग, उसकी बाप ने जो समुद्र में तैरने का जो ट्रेनिंग दिया था, इतने साल जो समुद्र में उसने जो तैरा, उसका पूरा ताकत वो लगा रहा है, क्या कर रहा है, पूरा ताकत लगा रहा है, किसके पास जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए, उसकी पूरा ताकत, उसकी पूरी टैलेंट, सब कुछ लगा रहा है, क्या क्या करना है सब कुछ कर रहा है, मगर उसका कोई भी चीज यीशु मसीह को मूव नहीं किया, मतलब यीशु मसीह को उसको बचाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया। यीशु मसीह खड़े हैं, देख रहे हैं, पीछे से 11 शिष्य खड़े हैं, देख रहे हैं, कोई उसको मतलब, ये मेहनत कर रहा है, यीशु मसीह देख रहे हैं कि पीटर मेहनत कर रहा है, उसकी पूरा ताकत लगा रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी यीशु मसीह खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। कई बार पीटर भी सोचा होगा, वो 11 शिष्य भी सोचा होगा हमारे जैसे कि यार यीशु मसीह का आंखें है क्या नहीं, यीशु मसीह बह रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, वो इतना मेहनत कर रहा है, देख रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, पानी में तट 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 कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, इतना तूफान उनको खींच रहा है, ये कर रहा है, परमेश्वर के पास हाके है क्या नहीं। हर एक इंसान का पहला सवाल ये होता है,
अपनी कष्ट अपनी मेहनत में। परमेश्वर की आंखें नहीं है, परमेश्वर का कान नहीं है। यीशु मसीह देख रहे हैं पीटर क्या कर रहा है, मगर बाइबल का वचन बोलता है जब पीटर खुद मेहनत करने का छोड़ के, खुद की ताकत लगाना बंद करके, विश्वास के साथ यीशु मसीह को देख के जब उसने बोला प्रभु मुझे बचा, बाइबल बोलता है यीशु मसीह ने तुरंत अपने हाथ को फैलाया और उसको ऊपर उठाया। कई बार हमारी मेहनत, हमारी तालंत, कई बार कुछ फॉर्मूला, ये चीज करके हम परमेश्वर की कार्यों को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं ऐसे करूंगा तो परमेश्वर करेगा, नहीं ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, ये फॉर्मूला अपनाओ। अरे इन्होंने बोला है कि ये 7 पॉइंट करोगे तो हो जाएगा, ये 7 पॉइंट करें, नहीं ऐसा करें। कोई भी चीज परमेश्वर को हिला नहीं सकता है। अगर परमेश्वर को हिला सकता है तो एक ही चीज, उसके ऊपर विश्वास रख के बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करो, उसके ऊपर विश्वास रख के बोलो परमेश्वर मेरे लिए एक चमत्कार करो, मेरे जीवन में बदलाव ला, परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि सिर्फ विश्वास परमेश्वर को मजबूर करता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। क्योंकि योवान ऐसे बोलता है जब कोई परमेश्वर के पास जाता है उसको भरोसा करना कि परमेश्वर है, तब आप जो भी प्रार्थना करोगे परमेश्वर इसको उत्तर देगा। हिब्रू की पुस्तक में परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, तब हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें जवाब देगा। यहाँ पे पीटर उसकी पूरा मेहनत, पूरा ताकत, पूरा तालंत, कुछ भी उसको नहीं बचाया, मगर विश्वास के साथ उस प्रभु को देखा, उस यीशु मसीह को देखा और बोला प्रभु मुझे बचा। उसने बोला प्रभु मुझे बचा। आज सही में ये चीज हमारे लिए जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ उसके पास जा, उसके पास बैठो और बोलो प्रभु ये मेरा समस्या है, प्रभु ये मेरा तकलीफ है, प्रभु ये चीज मेरे जीवन में, आप कार्य करो, आप कार्य करो, वो आपको मदद करेगा, वो आपको मदद करेगा, वो आपको मदद करेगा। थोड़ी देर आके बंद करें। आज विश्वास के साथ, आज विश्वास के साथ एक प्रार्थना, छोटा सा प्रार्थना। मुझे आपकी समस्या मुझे पता नहीं, शायद आप बीमार होंगे, आपकी परिवार में बीमार होंगे, शायद आपकी जीवन में तकलीफ होगा, क्या तकलीफ है मुझे पता नहीं है, मगर विश्वास के साथ उस यीशु मसीह को अगर आज आप पुकारोगे, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास के साथ अगर आज उसको पुकारोगे, वो जरूर आपको मदद करेगा, वो जरूर आपको मदद करेगा। पिता मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, लोगों के जीवन में क्या तकलीफ है मुझे पता नहीं है, मगर आज जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी विश्वास के साथ आज आपको पुकार रहे हैं, पिता उनकी तरफ आपका ध्यान दीजिए, उनकी तरफ आपका ध्यान दीजिए,
और मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, अगर बीमारी उनको तकलीफ दे रहा है, उनकी परिवार वाले को बीमारी तकलीफ दे रहा है और नानक के कमी उनको तकलीफ दे रहा है, कुछ भी हो, आज जब वो विश्वास के साथ आपको पुकार रहे हैं, पिता उनके तरफ आप ध्यान दीजिए। और बाइबल का वचन बोलता है, मैं खत्म करना चाहता हूँ, I want to finish it very soon. We have another 5 minutes, 5 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं। बाइबल का वचन बोलता है, जैसे ही परमेश्वर ने पीटर को ऊपर उठाया पानी से, परमेश्वर ने उसको एक ही चीज बोला, परमेश्वर ने उसको एक ही चीज बोला, तू डाउट क्यों किया? व्हाई डिड यू डाउट? तूने शंका क्यों किया? तेरे विश्वास को तूने कमजोर क्यों किया? बाइबल का वचन बोलता है, हम देखते हैं पीटर पानी में इसलिए डूबा क्योंकि उसने तूफान को देख के, लहरों को देख के वो डर गया था। मगर यहां पे यीशु मसीह उसको देख के ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तू क्यों डरे, ऐसे नहीं बोल रहा है, मगर परमेश्वर उनको बोल रहा है, तूने शंका क्यों किया भाई? तूने अपने विश्वास को नीचे क्यों लेके आए? वहां पे डरा हुआ था, मगर यहां पे यीशु ऐसे नहीं बोल रहे तू क्यों डरा, वो बोल रहे हैं तूने शंका क्यों किया। आज ये चीज हमें गौर करना बहुत जरूरी है, हमेशा शंका जो है हमारे जीवन में डर को लेके आता है, होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो, शुरुआत ऐसे ही होता है हमारे जीवन में, शुरुआत ऐसे ही होता है। ठीक है, ये चीज करना है, अगर ये चीज नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, उसके बाद क्या आता है? डर आता है। वो डर के साथ चिंता आता है और हम सोचने लगते हैं, सोच 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 सोच, और चिंता के साथ साथ डिप्रेशन आता है, तनाव में चला जाता है। देखा, एक छोटा सा शंका क्या क्या चीज को लेके आता है। शंका डर को लेके आया, डर चिंता को लेके आया, और सोच के इंसान तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में, और बाद में उसको बोले लेना पड़ता है। बाइबल का वचन बोलता है, एफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जब पॉल वो डाल के बारे में बात करता है, तो पॉल बोलता है हर एक परिस्थिति में विश्वास की डाल को उठाओ। वो बोलता है ये परिस्थिति में नहीं, वो बोलता है हर एक संजोगों में, हर एक परिस्थिति में विश्वास की डाल को उठाओ, क्योंकि वो आपको बचा सकता है। शैतान जो डर लाता है ना, शैतान जो शंका लेके आता है ना, शैतान जो चिंता लेके आता है ना, शैतान जो तनाव लेके आता है ना, उससे आपको बचाएगा। क्या बचाएगा? विश्वास, विश्वास। हम चिंता क्यों करते हैं? हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कल क्या होने वाला है, इसकी वजह से आज हम कल के लिए सोचते रहते हैं। आज बैठ के कल के बारे में मैं सोचता रहता हूं, क्यों? मुझे पता नहीं है कल क्या होने वाला है।
अगर मुझे पता होता कल क्या होने वाला है, आज मैं चिंता के साथ नहीं बैठता। अगर मुझे पता है कल क्या होने वाला है, मैं आज कल के बारे में नहीं सोचता। मुझे कल के बारे में पता नहीं है, इसके लिए आज मैं सोचता हूं, चिंता करता हूं, डाउट करता हूं। मगर बाइबल का वचन एक वचन बोलता है, वो वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। I want to pray, I want to encourage you people. Psalm 139, गीत शास्त्र 139, 139, उसका 16वीं वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बाइबल का वचन बोलता है, जब मैं उत्पन्न नहीं हुआ था, आपकी आंखों ने मुझे देखा है। मेरा सारा दिन आपने आपकी पुस्तक में लिखा है और आपने उसको प्लान किया है। मेरा सारा दिन आपने आयोजन करके आपकी पुस्तक में लिखा है। आगे बोलता है, मेरा दिन शुरू होने से पहले, उसको रिफ्रेश करके बोलता हूं, मेरा दिन शुरू होने से पहले आपने क्या किया है उसको प्लान करके आपकी पुस्तक में लिख दिया। उसका मतलब, मैं कल देखने से पहले आपने क्या किया है उसको प्लान करके आपकी पुस्तक में लिख दिया है। उसका मतलब ये होता है कि उनकी मेरा हर एक दिन परमेश्वर कैसा रहना चाहिए, क्या होना चाहिए बोल के प्लान करके उसकी पुस्तक में लिख दिया है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे प्लान करने की जरूरत नहीं है, कल के लिए आयोजना करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से करके रख दिया है। उसने रख दिया है मेरा दिन कैसे होने वाला है कल। बस मुझे विश्वास के साथ आज का दिन एंजॉय करना है, अगले दिन उठना है और परमेश्वर के साथ चलना है। बस विश्वास के साथ उस दिन में चलना है और परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजना करके रखा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। कल के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि कल मैं हमारे हाथ में नहीं है। परमेश्वर ने आयोजना करके रख दिया है, सिर्फ योजना ने उसने लिख भी दिया है कि ये ऐसा होने वाला है। बस उसके ऊपर विश्वास करके हमें चलना है। विश्वास दिन अच्छा रहे परमेश्वर को धन्यवाद, दिन अच्छा नहीं रहे तो भी परमेश्वर को धन्यवाद। अच्छा रहे ना अच्छा रहे परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के उस दिन को मेरे लिए रखा होगा। बाइबल बोलता है इब्रानी 5:7-6, वो बोलता है, दो ही वॉज द सन ऑफ गॉड, ही हैड टू लर्न ओबीडियंस थ्रू सफरिंग। वो परमेश्वर की बेटा होने के बावजूद दुख सहन करने से उनको आधीनता को सीखना पड़ा, यीशु मसीह को। कई बार परमेश्वर अगर कुछ चीजों को अनुमति देता है, धन्यवाद परमेश्वर मैं लेता हूं, कुछ सोच समझ के आपने उसको भेजा होगा, क्योंकि उसने प्लान कर रहा किया है और उसके हिसाब से जब हम चलेंगे हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। विश्वास के साथ चलो। और बाइबल का वचन बोलता है, हम पढ़ते हैं, पुट योर फेथ ऑन जीसस, आपकी विश्वास यीशु मसीह के रखो। आपकी हर एक दिन की लड़ाई हो, कुछ भी हो, हर एक चीज के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो। और आखिर में ये ब्यूटीफुल चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। हमेशा कमजोरियों को देखते हैं, मगर हमेशा हर एक स्टोरी में, हर एक कहानी में क्लाइमैक्स होता है, मगर इसमें क्लाइमैक्स इतना ब्यूटीफुल है। बाइबल बोलता है यीशु मसीह पीटर को उठाते हैं और आप पीटर और यीशु मसीह दोनों साथ में नाव के अंदर प्रवेश करते हैं। वही तूफान था, तूफान बदला नहीं, आंधी बदला नहीं, हवा बदला नहीं, मगर अब कोई भी चीज
पीटर को तकलीफ इसलिए नहीं दिया क्योंकि पीटर यीशु मसीह के साथ चल रहा था, पीटर यीशु मसीह के साथ चल रहा था। अगर आप अकेले चलोगे गिरने का संभावना होता है, डूबने का संभावना होता है। जब आप यीशु मसीह के साथ चलोगे भले कैसे भी तूफान हो, भले कैसे भी तकलीफ हो, भले कैसे भी आंधी हो, कोई भी चीज आपको डुबाएगा नहीं। इसके लिए तो ऐसा है, बोलता है दो आई वॉक ऑन फायर इट विल नॉट बर्न मी, भले मैं आग में चलूं वो मुझे नहीं जलाएगा, भले मैं पानी में चलूं वो मुझे डुबाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हमारे जीवन में कितना बड़ा आंधी हो, कितना बड़ा तूफान हो, कितना बड़ा भले समस्या हो, वो हमें डुबा नहीं सकता क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए, जब आप अकेले चलोगे, अकेले मेहनत करने के लिए कोशिश करोगे, अकेले आपकी समस्या के साथ लड़ने के लिए कोशिश करोगे, आपको तकलीफ होगा होगा होगा। जब आप यीशु मसीह के साथ चलोगे भले कैसे भी हो, वो आपको कुछ तकलीफ पहुंचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। आपकी ध्यान यावा नहीं बचकेगा। आमीन। ये बहुत जरूरी है। पहले हमने देखा प्रार्थना, इस पैसेज से सीखने वाली चीज, पहला चीज प्रार्थना। हर एक परिस्थिति में, हर एक संजोगों में हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना। दूसरा, चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है। तीसरा, विश्वास रखना बहुत जरूरी है, विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास अकेला ही आपको बचा सकता है। क्योंकि बाइबल में हम सारे जगह में देख रहे हैं, अगर उनकी जीवन में उन्होंने परमेश्वर की चमत्कार देखा है तो विश्वास की वजह से ही। सिर्फ विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर की कार्य को, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हुए हम देख सकते हैं। और चौथा, ये बहुत जरूरी है, आप अकेले मत चलो, हमेशा यीशु मसीह के साथ चलो। हर समय, हर परिस्थिति, हर सेकेंड, हर मिनट ये कोशिश करो हमेशा यीशु मसीह के साथ चलो, हमेशा यीशु मसीह के साथ चलो। चलिए हम आंखें बंद करें, लेट्स क्लोज आवर आईज। परमेश्वर, में यीशु मसीह के नाम से आपकी चरणों में आते हैं। इस दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपकी वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पिता, हमने अब जैसे देखा, अगर कोई चीज आपकी कार्यों को हमारे जीवन में होते हुए अगर हम देख सकते हैं, वो सिर्फ विश्वास के द्वारा ही। पिता, हमें मदद कीजिए कि हर एक परिस्थिति में, हर एक संजोगों में हम सिर्फ एक ही काम करें, विश्वास की डाल को उठाएं। क्योंकि विश्वास डरता नहीं है, विश्वास चिंता नहीं करता है, बल्कि विश्वास बोलता है परमेश्वर सब कुछ देख लेगा, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पिता, हमें मदद कीजिए हर एक परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, हम विश्वास की डाल को उठाएं और हम आगे बढ़े, ताकि आपकी कार्यों को, आपकी चमत्कार को हमारे जीवन में देख सके। पिता, हमें मदद कीजिए कि हम आपके साथ हमेशा चले, हमेशा चले, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चले, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी पसंद नापसंद के हिसाब से नहीं, मगर आप जो चाहते हो उसके हिसाब से हम चले, आपके हिसाब से हम चले, आपके साथ हर समय में, हर परिस्थिति में सिर्फ आपकी इच्छा पूरा करने के लिए हम सोचे। पिता, आज जितने भी देख रहे हैं उनकी परिवारजन, हर एक व्यक्तियों को आपकी समक्ष में लेके आते हैं, हमारी प्रार्थना है हमारे पापों को माफ करें। कई बार अगर हमने डाउट किया है,
कई बार हमने डरा है परिस्थितियों को डर के। आपके पास आने के बदले इंसान के पास अगर हम गए, प्लीज हमें माफ कीजिए पिता, प्लीज हमें माफ कीजिए। पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए, हम यीशु मसीह के जैसा हर एक परिस्थिति में पिता के पास जाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमें मदद कीजिए पिता। 2020 कई लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाला, वेदना वाला साल भले रहे, मगर हम विश्वास करते हैं 2021 पिता वो हमारे लिए आशीर्वादित साल रहेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हम उकाब की जैसा आपकी मन में उड़ने वाले हैं पिता। पिता विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने वाले, हर एक परिस्थिति बदलने वाला है बोल के हम विश्वास करते हैं आज पिता। ये कन्फेशन के साथ, ये विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए। We believe that 2021 is going to be a blessed year for us. We believe 2021 is going to be a prosperous. We believe that 2021 is going to be a glorious year for us, Father. एक महिमावान साल रहने वाला है हमें, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपकी बच्चों के जीवन में आपकी आशीष, आनंद, शांति बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप चलाइए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।